दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज ऑटो ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको फ्यूल का भी ऑप्शन मिलेगा और सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें कंपनी का दावा 11 अलग अलग टेस्ट को पास किया है। फुल टैंक में इसका जो माइलेज रहेगा वो रहेगा 330 किलोमीटर का, जो अभी तक दुनिया में किसी देश के पास सीएनजी बाइक नहीं थी, भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसमें दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं टू व्हीलर के अंदर। ये पहली बार अगर आप देखेंगे तो आपको बजाज ऑटो में ये लॉन्च कर दिया है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ और इसका प्राइस क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आज नए युग का टाइम है, तो आज की डेट में अगर सेविंग की बात करेंगे तो सीएनजी पे अगर कोई बाइक आ जाती है तो उसमें काफी बचत आपको होने वाली है जो भी इसको यूज करेगा। इसकी शुरुआती जो रेंज है, एक्स शोरूम प्राइस है, वो 95,000 है। इसकी जो अगर आप देखेंगे सीट काफी लंबी है, जिसका जो टैंक है सीएनजी वो उसके नीचे है। 785 mm की इसकी जो सीट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसमें काफी स्पेस भी है बैठने के लिए और उसका सीएनजी टैंक भी उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो उसके नीचे आ जाएगा। इसमें अलग अलग बहुत सारे कलर ऑप्शन भी बाइक में आ चुके हैं, अपने हिसाब से आप चॉइस भी कर सकते हो कौन सा कलर हमें लेना चाहिए। फीचर्स वाइज आप देखोगे तो आपको अलग अलग उसमें सारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें 2 लीटर का फ्यूल टैंक है, 2 किलोग्राम सीएनजी टैंक है। कंपनी का दावा इसमें 330 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जिसमें सीएनजी 102 किलोमीटर की एवरेज है और अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो 67 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, वैसी नॉर्मल बाइक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं किसी ब्रांड से। एक बटन से ही आप चेंज कर सकते हो कि आपने पेट्रोल पे चलाना है या फिर आपने सीएनजी पे यूज करना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसका जो सीएनजी सिलेंडर है उसका जो वजन है वो 16 किलोग्राम का आपको मिल जाएगा। भरवाने के बाद इसका जो वेट है वो 18 तक हो जाता है। अगर बाइक की वेट की बात करेंगे तो 147 किलो की बाइक है और 125 सीसी के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी, जो कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे चलने वाला जो ऑप्शन है वो आपको इसके अंदर सारे मिलेंगे, बचत भी काफ़ी होगी। सबसे बड़ी बात है आज के नए युग में अगर आप देखोगे दुनिया में जो किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो भारत में आपको मिलने को देखने को मिल रही है। पावर भी है इसके अंदर, परफॉर्मेंस भी और माइलेज भी, और क्या चाहिए होता है। ये सारे ऑप्शन अगर आपको बाइक के अंदर मिल जाते हैं, इतना अच्छा एवरेज है और प्राइस रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम में इसी युग का टाइम है तो इसका जो अगर आप बिक्री देखेंगे तो बहुत तेजी से होगा और उसके साथ साथ बचत भी होगी। बजाज फ्रीडम 125 के नाम से आप देखेंगे तो आ चुकी है ये, इसको अगर आप लॉन्च तो हो चुकी है, अगर आप खरीदना चाहें तो आने वाले टाइम में आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा आपने कलर लेना है, क्या क्या उसके अंदर आपको जो फीचर्स हैं वो ये सारे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। जो इसके सारे फीचर्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं।